राजा हिरण्यकश्यप को भगवान शिव का वरदान मिलने के कारण वो अधिक शक्तिशाली हो गया था। तीनों लोकों में सब उससे डरते थे, यहाँ तक कि देवता भी उससे डरते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप राजमहल में सभा बुलाकर बैठा था। आज से भगवान की पूजा बंद कर दो और मेरी पूजा करना शुरू कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा भगवान मैं ही हूँ, सारे संसार का भगवान केवल मैं ही हूँ। जो आज्ञा प्रभु, हम आज ही नगर में ढिंढोरा पिटवा देंगे। और साथ में ये भी कहना कि अगर किसी ने भी हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। भगवान को मानने वाले भी हिरण्यकश्यप के डर से भगवान को मानना बंद कर देते हैं। यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन हिरण्यकश्यप की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। हे भगवान, मेरे पुत्र को शक्ति देना, इसे सच्चा भक्त बनाए रखना। पुत्र के जन्म की खबर सुनकर दानव राज हिरण्यकश्यप खुशी खुशी वहां आते हैं। सावधान, तीनों लोक के स्वामी और हमारे भगवान प्रभु हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। महारानी, आज मैं बहुत खुश हूँ, पर याद रहे हमारा बेटा तुम्हारे जैसा विष्णु भक्त नहीं होना चाहिए, वो मुझे भगवान मानने वाला मेरा भक्त होना चाहिए। कुछ समय बीत जाता है और प्रहलाद बड़ा हो जाता है। एक दिन राजा हिरण्यकश्यप एक अपराधी को सजा दे रहे होते हैं। महाराज, ये पंडित भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पकड़ा गया है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाता है। इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड की सजा सुनकर अपराधी रो रो कर कहने लगता है। महाराज, मुझे मत मारो, मेरा गुनाह क्या है, मैंने बस भगवान का नाम ही तो लिया है। नादान बालक, तेरा भगवान मैं हूँ, फिर तूने दूसरे भगवान की भक्ति क्यों की? तेरा अपराध यही है और इसीलिए तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है। आप मुझे मार तो सकते हैं, पर क्या आप मुझे जिंदा कर सकते हैं? अगर आप मुझे जिंदा नहीं कर सकते तो आप भगवान कैसे हो सकते हैं? बाल प्रहलाद ये सब सुन रहे होते हैं। सभा खत्म होने के बाद जब वो अपनी माता के पास आते हैं तब माँ से पूछते हैं। माता, क्या मेरे पिता भगवान है? नहीं बेटे। तो फिर भगवान कौन है और वो क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए ना। जिसने सारी सृष्टि बनाई वो भगवान है और उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या भगवान किसी को भी जिंदा कर सकते हैं माँ? हाँ, वो मार भी सकते हैं और जिंदा भी कर सकते हैं। ये सुनकर प्रहलाद को भगवान के प्रति श्रद्धा जाग जाती है। माता, अगर मैं भगवान की पूजा करूँगा तो पिताश्री मुझे मार तो नहीं डालेंगे? बेटी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तुम्हें बिना डरे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसी दिन से प्रहलाद भगवान का सच्चा भक्त बनकर पूजा करने लगता है। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। ये कौन गुस्ताख मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है? प्रभु, ये आवाज युवराज प्रहलाद के कक्ष से आ रही है। अपने ही महल में अपने ही बेटी द्वारा भगवान की पूजा किए जाने पर हिरण्यकश्यप गुस्से से आग बबूला हो जाता है और प्रहलाद के कक्ष में आता है। प्रहलाद, क्या तुझे पता नहीं कि भगवान मैं हूँ? पिताजी, आप किसी को मार जरूर सकते हो परंतु जिंदा नहीं कर सकते, तो फिर आप भगवान कैसे हो सकते हो? नादान बालक, तू जिस भगवान की पूजा कर रहा है वो मेरे नाम से कांपता है, अब बता वो बड़ा या मैं बड़ा? उनका भयभीत होना ये उनके भगवान ना होने का प्रमाण नहीं है, हो सकता है ये उनकी लीला हो। तू मेरा बेटा है इसलिए तेरी हर गलती माफ करता हूँ, पर अगर तूने यही गलती दोबारा दोहराई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रहलाद को धमकी देकर हिरण्यकश्यप वहाँ से चला जाता है और महारानी के पास आता है। महारानी, तुम्हारा बेटा धर्म के रास्ते पर चल पड़ा है, अगर तुमने उसे नहीं समझाया तो मैं भूल जाऊंगा कि वो हमारा पुत्र है। एक माँ होने के नाते मैं अपने बालक को गलत शिक्षा नहीं दे सकती महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। तो फिर उसे कह देना कि परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को एक अपराधी की भांति अपनी सभा में बुलाता है। बोलो प्रहलाद, तुम मुझे भगवान मानते हो या नहीं? नहीं, जो जन्म लेकर मर जाता है वो भला भगवान कैसे हो सकता है? मैं अमर हूँ मूर्ख बालक,
मैं ना दिन में मर सकता हूँ और ना ही रात में, ना धरती पे मेरी मृत्यु हो सकती है और ना ही आसमान में। मुझे ना नर मार सकता है, ना नारी, ना पशु, ना पक्षी, ना आग मुझे जला सकती है और ना पानी मुझे डुबा सकता है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना ही अस्त्र और ना ही शस्त्र मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं ही सृष्टि का भगवान हूँ। ये उपलब्धियाँ तो आपको भगवान शिव के वरदान से ही प्राप्त हुई हैं। मैं आपको भगवान नहीं मान सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्सा होकर बोला, महामंत्री, इस नास्तिक को जहरीले सांप के बीच में फेंक दिया जाए। राजा का हुक्म मिलते ही प्रहलाद को सांपों से भरी एक कोठरी के पास ले जाया जाता है। प्रहलाद, अभी भी वक्त है, महाराज को भगवान मान लो, वरना ये जहरीले सांप तुम्हें डस डस कर मार डालेंगे। मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे इन जहरीले सांपों से जरूर बचा लेंगे। प्रभु, आपका भक्त संकट में है और आप यहाँ सो रहे हैं, क्या आप उसे उन जहरीले सांपों के बीच मरने देंगे? नहीं देवी, प्रहलाद तो कीचड़ में खिला हुआ कमल है, अधर्म के बीच धर्म को जिंदा रखने वाला महात्मा है, भला मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? नादान बालक, अब मौत से तुझे कोई नहीं बचा सकता, सैनिकों फेंक दो इसे सांपों के बीच में। महामंत्री का हुक्म मिलते ही प्रहलाद को सांपों की कोठरी में फेंक दिया जाता है। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। भगवान को याद करते ही सारे सांप फूल बन जाते हैं। ये चमत्कार देख महामंत्री दंग रह जाता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे भगवान मुझे बचाने जरूर आएंगे। ये तो चमत्कार हो गया, महाराज को बताना पड़ेगा। प्रभु, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रहलाद को जहरीले सांपों ने डस कर मार दिया, यही खुशखबरी सुनाने आए हो ना महामंत्री? नहीं प्रभु, जैसे ही हमने प्रहलाद को सांपों के बीच में फेंका, वैसे ही सारे सांप फूल बन गए। प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु, लगता है उसे भगवान ने बचा लिया है। असंभव, विष्णु की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरे दुश्मन की मदद करे। परंतु ऐसा हुआ है प्रभु। पर अब नहीं होगा, जाओ प्रहलाद को लेकर आओ और साथ में जहर से भरा कटोरा भी लेकर आना। कुछ ही देर में प्रहलाद को पेश किया जाता है। तुझे बहुत भरोसा है ना तेरे भगवान पर, तो चल इस जहर से भरे जाम को पीकर बता। प्रभु, एक बार फिर से आपका परम भक्त मुसीबत में है। हाँ देवी, मुझे जाना ही होगा। तुझे तो मेरा पुत्र कहते हुए भी लज्जा आती है, चल जल्दी से ये जहर से भरा कटोरा पी और तेरे भगवान को प्यारा हो जा। मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। जहर से भरा कटोरा दूध बन जाता है और प्रहलाद बड़े आराम से उसे पी लेता है। ये देख हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाता है। लगता है प्रहलाद जादूगर बन गया है, पर अब उसका जादू मैं नहीं चलने दूंगा। महामंत्री, प्रहलाद को जलती हुई आग में फेंक दिया जाए। हिरण्यकश्यप का आदेश मिलते ही प्रहलाद को जलती हुई आग में फेंक दिया जाता है, पर वहाँ भी भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद को बचा लेते हैं। ये देख हिरण्यकश्यप और भी आग बबूला हो जाता है। कौन है वो गुस्ताख जो मेरे दुश्मन की जान बचा रहा है? महामंत्री, मेरे दुश्मन को ऊंची पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए। पिताजी, मुझे मेरे भगवान बचा रहे हैं, अगर आप भी जिंदा रहना चाहते हो तो भगवान से माफी मांग लीजिए। इसे जल्दी से मेरे सामने से ले जाओ, वरना मैं इसे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। हिरण्यकश्यप का आदेश मिलते ही प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी पर ले जाया जाता है। प्रहलाद, अभी भी वक्त है, अपने पिताजी से माफी मांग लो, जान बच जाएगी तुम्हारी। भगवान की ताकत तुम क्या जानो महामंत्री, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी जान बचाने के लिए भगवान खुद यहाँ पर आएंगे। फिर प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से धक्का दिया जाता है, परंतु प्रहलाद को बड़ी आसानी से नीचे उतरता देख सभी दंग रह जाते हैं। प्रहलाद को जिंदा देख हिरण्यकश्यप एक बार फिर से गुस्सा हो जाता है। ये फिर से बच गया, आखिर ये मर क्यों नहीं रहा? ठीक उसी वक्त हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रकट होती है। बहन होलिका, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ भैया, मैंने सुना कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी आपका दुश्मन मरता नहीं। तुमने ठीक सुना है। भैया, क्या तुम भूल गए कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती? हाँ,
याद है। तो फिर मैं कब काम आऊंगी? मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर लकड़ियों पर बैठ जाऊंगी, फिर तुम आग लगा देना, मैं इसे अपनी गिरफ्त से छोड़ूंगी ही नहीं। बस फिर क्या, आग तुझे जला नहीं पाएगी और प्रहलाद बड़ी आसानी से मर जाएगा। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। ये मुझे क्या हो रहा है, मैं जल रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जल रही हूँ, बचाओ बचाओ। भगवान विष्णु की कृपा से एक बार और प्रहलाद की जान बच जाती है और होलिका दहन हो जाती है। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। होलिका को जलकर मरा हुआ देख हिरण्यकश्यप आपा खो देता है। असंभव, होलिका कभी नहीं जल सकती, इसका मतलब साक्षात विष्णु ही इसकी मदद कर रहा है। परंतु अब इसे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता, अब इसे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। प्रभु, अब खुद हिरण्यकश्यप मैदान में आएगा, अब आप अपने भक्त को कैसे बचाएंगे? देवी, अब पाप का अंत होगा। परंतु प्रभु, उसे तो शिव जी का वरदान है कि वो कभी नहीं मर सकते। हाँ, यही तो दुविधा है, इसका हल ढूंढने के लिए मुझे शिव जी के पास जाना होगा। महादेव की जय हो। विष्णुदेव, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? महादेव, आपने हिरण्यकश्यप को वरदान देकर सृष्टि को खतरे में डाल दिया है, अब कृपा करके आप ही इसका हल बताइए ना प्रभु। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर भगवान विष्णु को हल बताया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ प्रहलाद, मुझसे माफी मांगकर मुझे भगवान मान ले, शायद मैं तुझे माफ कर दूँ। भगवान विष्णु ही मेरे भगवान है, वो ही मुझे बचाएंगे। इतना भरोसा है तुझे अपने भगवान पर? हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा। ठीक है, तो आज मैं विष्णु का चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं तैयार हूँ। नादान बालक, तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ? मैं तुझे अपनी बाहों में लेकर इस जलते हुए खंभे में लिपट जाऊंगा और ये खंभा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तू बड़ी आसानी से मर जाएगा। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यप बार बार प्रहलाद को डरा रहा होता है, तब खुद भगवान ने भगवान होने का सबूत दे दिया। लोहे के गरम गरम खंभे पर प्रहलाद को एक चींटी चलती हुई दिखाई दी। गरम खंभे पर चींटी को चलता देख प्रहलाद समझ गया कि भगवान उसे बचाने के लिए आ गए हैं। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपनी बाहों में भर कर गरम खंभे से लिपट जाता है, पर उसी क्षण चमत्कार होता है, खंभा चीर कर भगवान नरसिंह वहां प्रकट होते हैं। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को लेकर दरवाजे के बीच आकर खड़े हो जाते हैं, फिर हिरण्यकश्यप को अपने पैरों के ऊपर लटका देते हैं। भगवान के अजीब से रूप को देखकर हिरण्यकश्यप कहता है, तुम कौन हो? मैं तेरी मौत हूँ। मैं अमर हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता। तुम्हें शिव का वरदान है कि ना दिन में ना ही रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, अस्त्र हो या शस्त्र हो, आग हो या पानी, तुझे ना नर मार सकता है ना नारी, ना पशु और ना ही पक्षी, तू किसी से भी नहीं मर सकता। हाँ, अब बोल, तू मुझे कैसे मार सकता है? तभी सूर्यास्त होता है और भगवान नरसिंह कहते हैं, उधर देख हिरण्यकश्यप, सूरज ढल रहा है, संध्या हो गई है, इसे ना दिन कहते हैं ना रात कहते हैं। ये सुन हिरण्यकश्यप घबरा जाता है। तूने मुझे दरवाजे के बीच क्यों लटका के रखा है? तुझे वरदान मिला था ना कि तू घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी नहीं मर सकता, न जमीन पर और न ही आसमान में। हाँ, इसीलिए तुझे दरवाजे के दहलीज पर ही, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर और न ही आसमान पर, तुझे बीच में ही रखकर मार रहा हूँ मैं। हाँ, ये देख, ये ना खून है, इसे ना अस्त्र कहते हैं और ना ही शस्त्र कहते हैं, और मुझे देख, ना मैं नर हूँ ना ही नारी, ना प्राणी हूँ ना ही पक्षी, मैंने आधा नर और आधा पशु का अवतार सिर्फ तेरा वध करने के लिए ही लिया है। ये कहकर भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भगवान नरसिम्हा की जय, भगवान नरसिम्हा की जय। प्रहलाद,
तुम्हारी भक्ति की शक्ति से आज एक अहंकारी का सर्वनाश हुआ है। मुझे तुम्हारी भक्ति पर गर्व है। प्रभु आप महान हो। भक्ति की शक्ति से भगवान को भी भक्ति की रक्षा के लिए स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा। ये देख सारे नगरवासी भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान नरसिम्हा की जय, भगवान नरसिम्हा की जय, भगवान विष्णु की जय। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।